जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें 9 ऐसी विधानसभा सीट है जहां से विधायक अब लोकसभा के सदस्य हैं, तो वह सीट रिक्त हुई है और इन सीटों पर अब उपचुनाव होना है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में। मीरापुर विधानसभा सीट पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। ऐसे में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी और समाजवादी पार्टी के नेता चंदन चौहान इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वह इस चुनाव में जीत दर्ज करके सांसद बने। तो अब बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार होगा। बीते दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता पूर्व सांसद अमीर आलम द्वारा बयान दिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ओर से उनसे संपर्क किया गया और कहा गया कि आपके बेटे नवाजी सालम को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए आदेश राष्ट्रीय लोकदल हाईकमान की ओर से अमीर आलम को दिया गया। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया और अमीर आलम की के परिवार की दावेदारी ऐसे समाप्त हो गई जैसे कैराना संसदीय सीट से उनके परिवार की दावेदारी समाप्त हो गई थी और अब कई नाम उभर कर राष्ट्रीय लोकदल से सामने आने लगे हैं, जिनमें जाट समाज के कई नेता हैं, गुर्जर समाज से भी हैं और पाल समाज के भी कई नेता इस सूची में शामिल हैं। नाम लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कोई अभी तक संकेत नहीं दिए गए। चर्चा तो यह भी है कि चंदन चौहान की पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है विधानसभा का। इसके अलावा अजीत राठी का नाम भी चर्चाओं में है, प्रभात तोमर का नाम भी चर्चाओं में है और पाल समाज के एक नेता है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा और भी कई दावेदार हैं, दावेदारों की बड़ी लंबी सूची है। चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी सीट को अपने पाले में चाहती है और संजीव बालियान यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। भविष्य में यह सीट किसके खाते में जाएगी आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यानी अमीर आलम के दावे की तो हवा निकल गई है और अब नए दावेदार यानी नए प्रत्याशी की तलाश राष्ट्रीय लोकदल को है, या यूं कह लीजिए कि राष्ट्रीय लोकदल अभी तक मीरापुर विधानसभा सीट पर तय नहीं कर पाई कि किसे अपना उम्मीदवार बनाना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी ने भी यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीते दिनों ही आजाद समाज पार्टी द्वारा यहां पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी सानेजर को अपना उम्मीदवार यहाँ से बना चुकी है। अब बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी किस भूमिका में मीरापुर विधानसभा सीट पर नजर आएंगी, यह आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि संभावनाएं तो यही है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच ही मुकाबले की संभावनाएं हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी उम्मीदवार को जनता अपना वोट दे सकती है, लेकिन संभावनाओं के हिसाब से, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस गठबंधन भारी रहा है बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी पर। बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर 2012 में जीत दर्ज कर चुकी है। 2017 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, अवतार भड़ाना यहां से विधायक चुने गए थे और 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यह सीट गई है। सपा के परंपरागत मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा सीट पर अधिक है, तो यह समाजवादी पार्टी की भी मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन चुनावी नतीजे अभी तक मीरापुर विधानसभा सीट के गठन के बाद से समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे हैं। 2022 में भले ही उनके सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई हो, तो अब मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से भी दावेदारों की बड़ी सूची है। मीरापुर विधानसभा सीट पर
कादिर राणा जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं उनका नाम भी चर्चाओं में है। और चर्चा है कि मीरापुर विधानसभा सीट से कादिर राणा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा मुखिया गुर्जर मेरठ जनपद से आते हैं, मुखिया गुर्जर गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज के विधायक इस सीट से, इस सीट के गठन के बाद से 3 बार चुनाव हुए, 2 बार गुर्जर समाज के विधायक यहां से चुने गए। तो यहां पर मुखिया गुर्जर के सारे समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि गुर्जर मतों को अपने पक्ष में लाया जाए। इसके अलावा इलम सिंह गुर्जर का नाम भी चर्चाओं में है। चर्चा है कि इलम सिंह गुर्जर भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम और भी हैं, एक पाल समाज के युवा का नाम भी चर्चाओं में है। चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल गुर्जर समाज से अपना उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी रणनीति बदलकर यहां से पाल समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि पाल समाज के मतदाताओं की संख्या भी इस विधानसभा सीट पर अधिक है। तो ये भी एक संभावनाएं बन रही है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पाल समाज के एक युवा नेता को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने का काम करे। वही अगर जिस तरह से अजीत राठी प्रभात तोमर का नाम चर्चाओं में है तो ऐसे में संभावनाएं समाजवादी पार्टी की ओर से जताई जा रही है कि अगर जाट समाज से राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार आता है तो समाजवादी पार्टी की रणनीति यहां पर गुर्जर उम्मीदवार को लेकर भी हो सकती है। ऐसी चर्चाएं हैं और राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण सेट करने के मूड में है और किस तरह से इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके एक संदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश में देने का काम किया जाए, ऐसी समाजवादी पार्टी की रणनीति है। समाजवादी पार्टी को यहां पर बड़ी संभावनाएं इसलिए भी नजर आ रही हैं क्योंकि कैराना संसदीय सीट से सांसद इकरा हसन और मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से सांसद हरेंद्र मलिक इस सीट पर प्रभावशाली हैं और उनके प्रभाव का लाभ भी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट के लिए की जीत की जिम्मेदारी भी इकरा हसन को दी गई है और चर्चाएं हैं कि इकरा हसन की भूमिका इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए रहने वाली है, क्योंकि इकरा हसन क्षेत्र में बड़ी लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता के सारे मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी खाता खोलने के मूड में है। चुनावी नतीजे क्या होंगे, बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी, आजाद समाज पार्टी क्या अपना किस तरह की एंट्री करती है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के चयन को लेकर सभी की निगाहें हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर भी सभी निगाहें जमाए हुए हैं। क्या होगा आने वाले समय में उसकी भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। मीरापुर विधानसभा सीट के लोगों की राय भी हम आपको उपचुनाव के दौरान दिखाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं और किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्या राष्ट्रीय लोकदल अपना असर बरकरार रख पाएगी या समाजवादी पार्टी अपने वजूद को यहां पर कायम कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।